रहे हैं और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जीएन भारत एक लौता चैनल है जो लगातार आपको पूजा सिंघल के हर एक अपडेट देते आ रहा है, किसी भी चैनल से सबसे ज्यादा फास्ट। पूजा सिंघल में अब जो नया अपडेट आया है कि आज अभिषेक झा फिर से मिले हैं पूजा सिंघल से, लेकिन एक आरोप लग रहा है अभिषेक झा पे। वैसे वो आते फ्रंट से है लेकिन निकलते पीछे से है, इसका क्या लॉजिक है ये तो हमें भी नहीं पता। ये मुंह छुपा के भागने का क्या बात है, ये तो इससे तो खुद ही वो बता दे रहे कि मैं गुनहगार हूँ। खैर जो भी, हमारी मीडिया ने बात करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरीके से मुँह छुपा के पीछे से निकल जाते हैं वो। उन्होंने बात की लेकिन उन पर आज ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से, टाइमिंग नहीं था मिलने का, परमिशन नहीं था, लेकिन फिर भी किसी के हेल्प से वो मिल लिए पूजा सिंघल से, ऐसा आरोप लग रहे। लेकिन जब हमने प्रभारी से बात, थाना होटवार जेल प्रभारी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, उन्होंने रजिस्ट्री करके ही मिलन हुआ है। और इसके साथ ही वकील भी मिले हैं, वकील ने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर पर दस्तावेज ले लिए हैं जी, पूजा सिंघल के ले लिए हैं। और अब सुनने में आ रहा है पूजा सिंघल बहुत जल्द जमानत पे बाहर रिहा हो सकती है। जी हाँ, पूजा सिंघल पे ये अपडेट आ रहा है कि 2-3 दिन के अंदर, आपको बता दें 22 तारीख को अगली सुनवाई है तो 22 तारीख तक तो कोई चांस नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही कि 22 तारीख को फाइनली जितने पैरवी है, जितना अभिषेक झा और उनके वकील जितना हाथ पर छटपटा रहे, आपको बता रहे तड़प रही है पूजा मैडम जेल से बाहर निकलने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि जो महिला कर्मी है, कोई उनके पैर दबाती है, कोई हाथ दबाती है, 3-4 महिला कैदी जो है दिन रात उनके सेवा में जुटी हुई है, कोई उनके लिए चादर ठीक करती है, कोई नूडल्स बनाती है, कोई उनके बाल ठीक करती है। और ये यानी कि पूरा IAS ऑफिसर वाला जो रुतबा है वो अभी तक पूजा सिंघल का जेल में कायम है। इसका मतलब तो साफ, ये जो खबरें आ रही है इससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि अब इस, आप बाहर नहीं जेल में, यानी कि IAS वाला जो फैसिलिटी होता है अब उनको जेल में मिल रहा, तो फिर जेल का मतलब क्या है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो जनता के मन में ये जानने के बाद जरूर उठेगा और हमारे मन में भी उठेगा। इसके साथ ही जमानत होता है कि नहीं 22 तारीख को देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हम आपको सबसे पहले ये खबर दे रहे हैं कि 22 तारीख कहीं ना कहीं ये पुष्टि हो रही है कि पूजा सिंघल जेल से बाहर आ सकती है, लेकिन वो ED उनको कभी पूछताछ की तलब कर सकती है, निलंबित वो हो ही चुकी है। आगे का क्या होगा पूजा सिंघल का, इसके अपडेट हम आपको लगातार जीएन भारत में देते रहेंगे। देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।